Hello students today we will discuss the second part of the chapter the adventure of the blue carbuncle as in the first part we have discussed that uh, watson went to meet uh, his his uh, friend that's name that's name is Sherlock Holmes, okay? Who is a detective and uh, he was just thinking about a case that uh, come, came before him. Watson asked him what was he think about. What, did, what was he thinking about? He explained the matter briefly and uh, said that uh, he is in trouble but that the case was just uh, just a little of just of a little little matter but uh, it was interesting to learn something from that case then after he explained something more now we will move ahead with the few other clues that he given uh, that he has given to watson to just find out uh, what is the matter behind the case okay so let's start with this my dear fellow there lies the problem it is true that for mrs henry baker was printed upon a small card which was tied to the bird's left leg

हमने देखा था फर्स्ट वार्ट में कि वो गूज लेकर जाता है एक आदमी रहता है स्ट्रेंथ पर्सन वो गूज लेकर जाता है और एक जो इंस्पेक्टर है ठीक है वो क्या करता है इंस्पेक्टर नहीं मैं जो कमिश्नर है वो क्या करता है पीटरसन जिसका नाम है वो उसको भागते हुए देख लेता है जिस उसे मतलब जब जा रहा होता है उसके हाथ पे गूज होता है एक गूज होता है ठीक है बड़ा सा गूज था जिसे वो चिक, आ, मतलब पार्टी के लिए ले जा रहा था क्रिसमस पार्टी के लिए तभी एक बीच में एक जानवरों का झुंड आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है तो उसे बचने के लिए वो अपनी स्टिक उठाता है और स्विंग करता है उसको जब वो स्विंग करता है तो एक ग्लास तोड़ देता है वो दुकान का फिर जब जैसे ये, ये कमिश्नर जाता है उसे बचाने के लिए उन जानवरों के झुंड के अटैक से तो वो उसे देखता है और डर जाता है और डर के भागने लगता है तभी उसका हैट और गूज वो वहीं पर गिर जाता है तो उसे उठा कर लाता है अब क्या कहता है कि वाटसन सोचने लगता है कहता है कि तो मतलब कि वाटसन ने आ, मतलब वाटसन कहता है कि मतलब इस गूज ने अपना मालिक ढूंढ लिया है तो वही कहता है माइट डियर फेलो देयर इज लाइज द प्रॉब्लम तो कहता है मेरे मित्र यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है इट इज़ ट्रू दैट फॉर मिसेस हैंनरी बेकर वॉज़ प्रिंटेड अपॉन स्मॉल कार्ड ये सही है कि इस पर ये हैंनरी बेकर एक छोटे से कार्ड पे जो लिखा हुआ है जो कि बंधा हुआ है इस गूस मतलब चिड़िया के गूस मतलब वही जो बंधक होता है ठीक है उसके पैरों से जो बंधा हुआ है कार्ड है उस पर लिखा है फॉर मिसेस हेनरी बेकर मतलब ये मिसेस हेनरी बेकर के लिए है एंड इट दर्सोलोल ट्रू दैट द इनिशियल्स और ये भी सही है कि इस पर जो इनिशियल्स लिखे गए हैं इनिशियल मतलब जो शॉर्ट लेटर्स लिखे जाते हैं जैसे एच लिखा है शॉर्ट में ना तो वैसे इनिशियल जो लिखे हैं आर लेजिबल मतलब लेजिबल मतलब जिसे हम पढ़ सकते हैं आसानी से अपॉन द लाइनिंग ऑफ दिस हैड जो इस हैड के ऊपर लिखा हुआ है तो इससे क्लियर होता है कि ये हैंनरी बेकर का है ठीक है बट एज देयर आर सम थाउजेंड्स ऑफ बेकर जैसा कि अब uh, बहुत सारे हजार मत हजारों है, बेकरस बेकर हैं एंड सम हंड्रेड ऑफ हैंनरी बेकरस और उसमें से लगभग सौ से ज़्यादा हैंनरी बेकरस हैं इन दिस सिटी ऑफ आवर हमारे सिटी में इट इज़ नॉट ई ईजी ये आसान नहीं होगा टू रीस्ट और लॉस प्रॉपर्टी टू एन एम वन ऑफ देम कि वापस से इस जो खोई हुई संपत्ति है प्रॉपर्टी है टू एन किसी को वापस कर पाना सो ना पीटरसन टुक द गूज़ होम फॉर हिस क्रिसमस रोस्ट इसलिए पीटरसन उस गूज़ को अपने घर ले आया अपने क्रिसमस रोस्ट के लिए एंड नाउ वी हैव टू डिटर माइंड लेकिन अब हमें ढूँढना है द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर फ्राम द अदर क्लूज प्रजेंट इन दिस हैंड इन दिस हैट इस जो हैट है उस पर छुपी हुई जो उसमें अदर क्लूज हैं उससे हमको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि हु इज़ द ओनर ऑफ दैट हैट ओके सो कम हीयर इज़ माई लेंस यहाँ आओ और ये रहा मेरा लेंस यू नो माई मैथड्स तुम मेरा मैथड जानते हो वॉट कैन यू गैदर फ्राम दिस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द ओनर तुम इस हैड से मतलब इस लेंस के थ्रू इस हैड से क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कलेक्ट कर सकते हो कि इसका ओनर कौन हो सकता है तो वाटसन देखता है उसको देखने के बाद कहता है आई कैन सी नथिंग मैं उसमें कुछ नहीं देख सकता ऑन द कंट्री इसके मतलब अपोजिट साइड में अगर देखा तो ऑन द कंट्री अपोजिट में कहता है वाटसन मतलब होम्स कहते हैं कि ऑन द कंट्री इसके अपोजिट में देखो वाटसन यू कैन सी एवरीथिंग तुम सब कुछ देख सकते हो मतलब तुम कह रहे हो तुम नहीं देख सकते लेकिन तुम सब कुछ देख सकते हो यू फेल तुम फेल हो जाते हो हावेवर जो भी कुछ भी रीज़न हो टू रीज़न फ्रॉम वाट यू सी मतलब जो कुछ तुम देखते हो उसके वजह से तुम फेल हो जा रहे हो मतलब तुम उसके पीछे की चीज़ें नहीं देख रहे हो लेकिन अभी मैं तुमको दिखाता हूँ तो ये कहता है देन प्रे टेल मी वॉट इट इज़ दैट यू कैन इन्फर फ्रॉम दिस हैड तो कहता है मैं प्राप्त तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जरा बताओ मुझे कि तुम क्या इससे साबित कर सकते हो क्या अनुमान लगा सकते हो इस हट से कि इस हेड के पीछे इस हेट में क्या राज छिपा है इट इज़ अ लार्ज हेट ये बड़ा हैट है एंड इट मस्ट हैव बिलोंग टू समवन विद द बिगेस्ट स्कल और ये जरूर किसी एक ऐसे इंसान से बिलोंग होना करना चाहिए जिसका सर बहुत बड़ा हो थोड़ा स्किल इसका जो इसकी खोपड़ी थोड़ी बड़ी हो टाइपिकली साइन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की जो है साइन है कि जिस बुद्धिमान जिसे कहते हैं लोग कि बुद्धिमान व्यक्ति का सर बड़ा होता है ठीक है तो वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति का साइन है ये जो कि ही यूज़ टू बी क्वाइट वेल टू डू और बट हैज़ नाओ फॉलेन ऑन हर टाइम्स ही यूज टू बी क्वाइट वेल टू डू मतलब वो कभी समृद्ध हुआ करता था क्वाइट वेल टू डू मतलब कभी समृद्ध हुआ करता था मतलब धनी व्यक्ति था वो उसके पास अच्छा खासा पैसा था रैंस अच्छा मतलब एक स्टाइलिश लाइफ जीता था ठीक है तो बट हैज़ नाओ फॉलेन ऑन हर टाइम्स लेकिन अब अब वो मतलब उसके अपने बुरे समय में चल रहा है दिस हैट इज़ थ्री ईयर्स ओल्ड यह जो हैट है वो तीन साल पुराना है इट इज़ ए हैट ऑफ द वेरी बेस्ट क्वालिटी यह एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हेट है लुक एट द बैंड ऑफ द रिब डिस्क सिल्क इसके जो बैंड हैं पट्टियाँ हैं जो कि मतलब धब्बेदार जो पट्टियाँ हैं धब्बेदार मतलब जिसपे डॉट डॉट बने रहते हैं जो सिल्क की पट्टी है एंड द एक्सीलेंट लाइनिंग जिसपे एक्सीलेंट लाइनिंग है उसको ध्यान से देखो इफ़ दिस मैन कोड एफर्ड टू बाई सो एफोर्ड टू बाई सो एक्सपेंसिव हैड थ्री एय सो यदि एक आदमी या यदि यह आदमी तीन साल पहले तीन साल पहले क्या कर सकता है अफोर्ड कर सकता है टू बाई खरीदने के लिए सच टाइप ऑफ एक्सपेंसिव हैट इस टाइप की एक्सपेंसिव हैट को तीन साल पहले खरीदने के लिए अफोर्ड कर सकता है एंड हैज़ हैड नो हैट है और उसके बाद उसने कोई टोपी नहीं खरीदी हैट नहीं खरीदा दे, है देन ही है लॉस इज फॉर्चुन तो शायद ही तो शायद उसने अपना भाग्य खो दिया है मतलब शायद वो अब दुर्भाग्य हो चुका है उस दुर्भाग्य हो चुका है वॉट इज वॉटसन इज अमेज बाय होम्स एनालिटिकल स्किल्स वाटसन जो है एकदम चकित हो गया होम्स के जो एनालिटिकल स्किल्स थी मतलब जो विवेचनात्मक स्किल्स थी जैसे वो चीज़ें देख रहा था ऑब्जर्व कर रहा था उसकी इस ऑब्जर्वेशन से होम्स जो क्या था अमेज हो चुका था होम्स गोज़ ऑन एक्सप्लेनिंग होम्स जो है एक्सप्लेन करना जारी रखा कहा कि लुक एट द टालो स्टेंस उस टालो स्टेंस पे देखो टालो स्टेन मतलब जो जानवर की जानवर के, के चमड़े से जो बनता है साबुन वगैरह जो ऑयल से उससे ऑयल निकलती है उसके जो साबुन वगैरह या मोम वगैरह जो बनता है उसके धब्बा है स्टैंड में जब तो धब्बा या दाग है उस पर ध्यान से देखो दे सो दैट ही ही नो लॉन्गर हैज़ गैस लाइट एट होम वो सो शो करता है कि मतलब उसकी उसने उसने जो मोमबत्ती बनाई थी उसकी वजह से उस पर धब्बा लगा हुआ था तो वो कहता है कि ये सो शो करता है कि उसके घर से घर पर कई मतलब लंबे समय से गैस लाइट नहीं जल रही थी इस वजह से तो वो वो मोम यूज़ कर रहा था इट प्रूव्स माई पॉइंट दैट ही वॉज वेल ऑफ बट हैज़ लेट इन मनी नाउ यह प्रूफ करता है कि वह पहले बहुत ज़्यादा धनी हुआ करता था बट अब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वेल well ऑफ मतलब धनी होना ठीक है समृद्ध होना ही हैज़ यूज टू यूज द इंक टू कवर द डैमेज उसने मतलब डैमेज को कवर करने के लिए इंक का यूज़ किया था मतलब जो स्टेंस uh, थे उसको ढकने के लिए इंक का यूज़ किया सो वी मस्ट कंक्लूड दैट ही माइट हैव लॉस्ट हिज वेल्थ बट नॉट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास उसने अपना पैसा तो खो दिया लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोया येट दैट सिक्योर इज ब्रोकन लेकिन जो इसका हैड का सिक्योर था वो टूट चुका है इट मस्ट इंडिकेट या इंडिकेट करता है दैट वाइल ही डज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट ले वाइल्ड जब कि जब जबकि जब 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 उसके पास थोड़ी सी रिस्पेक्ट बच गई थी ही डेफिनेटली हैज़ बिकम टू कैलस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संवेदनहीन हो चुका था टू तो ब्रदर अपने भाइयों के लिए अबाउट ही इस अब की इसके देखभाल के लिए मतलब वो मतलब उसके देखभाल के लिए उसके भाइयों पर डिपेंड अब नहीं रहने लगा था द लेंस डिस्क्लोज लार्ज नंबर ऑफ़ हेयर इंड्स लेंस डिस्क्लोज अब ये लेंस जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ़ हेयर इंड्स छोटे छोटे बालों के टुकड़ों को क्लीन कट बाय द सीज़र्स ऑफ द बार्बर जो कि बार्बर के सीज़र्स से काटे गए हुए कटे हुए हैं उसमें चिपके हुए हैं उसको डिस्क्लोज़ कर रहा है दे ऑल अपीयर टू बी अडेसिव जो सब दिख रहे हैं चिपके हुए से एंड देर इज डिस्टिंक्ट आर्डर ऑफ लाइम क्रीम और एक लाइम क्रीम की जो महक है खुशबू है वो इसमें से अलग टाइप की वो मिल रही है दिस डस्ट यू विल ऑब्ज़र्व और ये जो धूल तुम ऑब्जर्व कर सकोगे इज़ नॉट द ग्रिटी ये कंकड़ी नहीं है मतलब इसमें छोटे छोटे मतलब सड़क वाले कंकड़ टाइप वाले नहीं है ग्रे डस्ट ऑफ़ द स्ट्रीट ये मतलब सड़क के जो ग्रे डस्ट होते हैं वो नहीं है ग्रिटी ग्रे डस्ट नहीं है बट द फ्लफ़ी ब्राउन डस्ट लेकिन ये मुलायम और ब्राउन डस्ट हैं ऑफ़ द हाउस घर के सो वट डू बी कंक्लूड तो इससे तुम क्या अंदाज़ा लगा सकते हो क्या मतलब रिजल्ट निकाल सकते हो वेल ही मस्ट बी ए मिडिल एज मैन उसे एक मिडिल एज मैन होना चाहिए मतलब वो फोर्टी टू फिफ्टी एज के बीच में होना चाहिए हुज़ वाइफ डज नॉट केयर मच अबाउट हिज गोइंग एंड कमिंग जिसकी वाइफ बिल्कुल केयर नहीं करती उसके आने जाने की कहाँ जाता है कहाँ जाता है इससे कोई मतलब नहीं रखती ही गोज टू अ बारबर फॉर ट्रिमिंग हिज हेयर वह एक बारबर के पास जाता है अपने बाल कटवाने के लिए एंड यूज लाइम क्रीम और लाइम क्रीम यूज़ करता है लुक एट द मार्क्स ऑफ द मॉइस्चर इन द इनसाइड अब जो मॉइस्चर मॉइस्चर्स के जो मार्क्स हैं टोपी के अंदर उस हैट के अंदर उसको ध्यान से देखो ही सोली वॉज नॉट यूज टू मच वॉकिंग वो जाहिर से बात वो जाहिर से जाहिर है कि वो ज़्यादा टहल मतलब चलता उलता नहीं है मतलब वो घर से घर में ज़्यादा रहता है और चलने वालने के आदि नहीं है मतलब वो ज़्यादा चल चलने फिरने के काम नहीं करता है बट हाउ डू वी नो दैट द मैन इज़ नॉट अ बैचलर द मैन इज नॉट लेकिन हम कैसे पता लगें कि आदमी बैचलर नहीं है ठीक है आदमी बैचलर नहीं है मतलब शादीशुदा है हम कैसे पता लगाएंगे द गूस इन गूज से नो बैचलर ब्रिंग्स होम अ गोज़ फॉर द क्रिसमस ट्री क्रिसमस डिनर कोई भी बैचलर जो है अपने घर ठीक है क्रिसमस डिनर पर गूज लेकर नहीं आता इसलिए क्या है वो मतलब इतना बड़ा गूज लेकर तो कोई नहीं जाएगा ऑब्वियस ही बात है तो अकेले तो खाएगा नहीं इतना बड़ा गूज तो ऑबियस ही बात है तो बैचलर नहीं होगा तभी तो सो वॉट्सन एक्नॉलेज दैट वाटसन को याद आया दैट होम्स इज़ इनफेलीबल होम्स क्या है इनफेलिबल है मतलब क्या है कि आ, एक ऐसा मतलब ऐसा पर्सन जो हर चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को समझदारी से समझ सके ठीक है so, सो आज के लिए बस इतना ही आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है ठीक है तब तक के लिए थैंक यू बाय एंड टेक केयर